हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ख्याति सेठी। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सतगुरु इंस्टीट्यूट। आई होप यू ऑल फाइन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर द हैप्पी प्रिंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने फोर चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। द हैप्पी प्रिंस चैप्टर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड चैप्टर हमने किया था वेयर इज साइंस टेकिंग अस, थर्ड चैप्टर हमने किया था सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस एंड फोर्थ चैप्टर किया था द गिफ्ट फॉर क्रिसमस। अगर आपने अभी तक फर्स्ट फोर चैप्टर को नहीं किया तो प्लीज़ आप उन चैप्टर्स को कर लीजिए। उन चैप्टर्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द हैप्पी प्रिंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये आपके लिए हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करें। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस पार्ट का चैप्टर का ऑथर कौन है, यानी कि लेखक कौन है। द ऑथर ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज ऑस्कर वाइल्ड। सो फ्रेंड्स, जो ऑस्कर वाइल्ड थे वो बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उन्होंने बहुत ही अच्छी और फेमस राइटिंग्स लिखी थी, स्टोरीज लिखी थी, जिनमें से एक स्टोरी थी उनकी द हैप्पी प्रिंस। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु वाज द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस कौन था, तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन द हैप्पी प्रिंस वाज अलाइव द हैप्पी प्रिंस लिव्ड इन द पैलेस ऑफ हैप्पीनेस। तो राइटर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हैप्पी प्रिंस था, जब वो जिंदा था यानी कि जब वो अलाइव था, तब वो खुशियों के महल में रहते थे। देयर वॉज नो एंट्री ऑफ सोरो। उनके पैलेस में, उनके महल में सोरो यानी कि दुख की एंट्री नहीं थी। हिज कोर्टियर्स कॉल्ड हिम हैप्पी प्रिंस बिकॉज ही वॉज रियली हैप्पी। He had never seen any sorrow in it. उनके जो कोर्टियर्स थे, उनके जो दरबारी थे, वो उनको हैप्पी प्रिंस नाम से बुलाते थे, क्योंकि वो असल में, वो सच में हैप्पी थे, खुश थे। उन्होंने कभी दुख को देखा तक नहीं था। After his death, a lead statue of Happy Prince was erected, which was covered with gold. Happy Prince की मृत्यु के बाद उनका लेड यानी कि एक मूर्ति बनाई गई थी लेड की, जो कि गोल्ड के साथ कवर थी, उसको स्थापित किया गया था। द स्टैचू वाज प्लेस्ड ऑन अ हाई पिलर। जो वो स्टैचू थी, जो वो मूर्ति थी, उसको एक ऊंचे स्तंभ के ऊपर स्थापित किया गया था। क्वेश्चन थर्ड, वेयर डिड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टैंड। द हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था वो कहाँ पर खड़ा किया गया था। आंसर है इसका, इट स्टूड ऑन ए हाई कॉलम अबव द सिटी। जो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का, वो सिटी के बीच यानी कि नगर में बहुत ही ऊंचे स्तंभ के ऊपर खड़ा किया गया था। क्वेश्चन फोर है, हाउ वाज द स्टैचू डेकोरेटेड। जो वो मूर्ति थी हैप्पी प्रिंस की, जो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का, उसे कैसे डेकोरेट किया गया था यानी कैसे सजाया गया था। तो इसका आंसर है, द स्टैचू वाज कवर्ड विद थिन लीव्स ऑफ गोल्ड। जो स्टैचू था, जो मूर्ति थी, उसे गोल्ड यानी कि सोने की थिन लीव्स क्या होती हैं, पतली पतली पत्तियां होती हैं, उससे सजाया गया था। इट हैड टू ब्राइट सफायर्स इन द आइज। जो स्टैचू की, जो मूर्ति की आंखें थी, आइज थी, उसमें ब्राइट सफायर्स यानी कि दो चमकदार नीलम लगे हुए थे। एंड अ लार्ज रूबी इन द हिल्ट ऑफ द स्वॉर्ड। और स्वॉर्ड क्या होती है, तलवार, हिल्ट होती है मुठ। जो तलवार की मुठ थी, उस पर एक बड़ी सी लाल रंग की रूबी जड़ी हुई थी। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज द स्वेलो गोइंग। स्वेलो एक पक्षी का नाम है, वो जो पक्षी था वो कहाँ जा रहा था। तो इसका आंसर है, द स्वेलो वाज गोइंग टू इजिप्ट। जो स्वेलो था, जो पक्षी था, वो इजिप्ट जा रहा था। एंड हिज फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी गोन देयर।
और उसके जो फ्रेंड्स थे, जो दोस्त थे स्वेलो के, वो पहले ही जा चुके थे। क्वेश्चन सिक्स, व्हाई डिड द स्वेलो पुट अप बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। जो स्वेलो था, पक्षी था, वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीचों बीच क्यों उतर गया था? तो इसका आंसर है, इट वॉज अ फाइन प्लेस बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। जो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीचों बीच जगह थी, वो बहुत ही अच्छी जगह थी। ऑल्सो देयर वॉज प्लेंटी ऑफ एयर। इसके अलावा वहाँ पर बहुत ही अच्छी और ताज़ी हवा चल रही थी। दैट वॉज वाई द स्वेलो पुट अप देयर। इसीलिए जो स्वेलो था, वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीचों बीच उतर गया था। वेयर वर द ड्रॉप्स कमिंग फ्रॉम। जो ड्रॉप्स थी, जो बूंदे थी, वो कहाँ से आ रही थी? तो इसका आंसर है, ड्रॉप्स वर कमिंग फ्रॉम द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टैच्यू। जो ड्रॉप्स थी, जो बूंदे थी, वो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैच्यू बना हुआ था, उनकी आंखों में से आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई वॉज द हैप्पी प्रिंस क्राइंग। जो हैप्पी प्रिंस था, वो क्यों रोने लगा था? आंसर 8, हैप्पी प्रिंस कुड सी द अगलीनेस ऑफ द होल सिटी एंड द सफरिंग ऑफ द पीपल विच मेड हिम क्राई। जो हैप्पी प्रिंस था, वो सारे शहर की कुरूपता यानी कि अगलीनेस को देख सकता था और लोगों के कष्टों को भी देख सकता था, जिसके कारण उसे रोना आ गया था। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द सीमस्ट्रेस इन द वर्ड्स ऑफ द प्रिंस। सीमस्ट्रेस होती है कपड़े सिलने वाली स्त्री। तो उन्होंने पूछा है कि राजकुमार यानी कि प्रिंस के शब्दों में सीमस्ट्रेस यानी कि कपड़े सिलने वाली स्त्री का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, द सीमस्ट्रेस हैड अ थिन एंड वॉर्न फेस। तो हैप्पी प्रिंस ने हमें बताया था कि जो सीमस्ट्रेस है, कपड़े सिलने वाली स्त्री है, उसका जो फेस है वो बहुत ही दुबला और थका हुआ दिखाई दे रहा था। शी वॉज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सेटिन गाउन। वो सेटिन के गाउन पर कढ़ाई कर रही थी फूलों की। हर हैंड्स वर कोर्स एंड रेड, दे वर ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल। जो नीडल होती है, जो सुई की चुभन के कारण उसके जो हाथ थे, वो बहुत ही ज़्यादा छाले की वजह से मोटे और लाल हो चुके थे। वाई वॉज द सीमस्ट्रेस लिटल बॉय क्राइंग। सीमस्ट्रेस का यानी का कपड़े सिलने वाली स्त्री का जो छोटा लड़का था, वो क्यों रो रहा था? द लिटल बॉय वॉज वेरी इल। जो छोटा लड़का था, वो बहुत बीमार था। ही वॉज क्राइंग फॉर द ऑरेंजेस। वो जो लड़का था, वो ऑरेंजेस यानी कि संतरों के लिए रो रहा था। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो हेल्प द सीमस्ट्रेस। जो हैप्पी प्रिंस था और स्वेलो था, वो सीमस्ट्रेस की मदद कैसे करते हैं? हैप्पी प्रिंस आस्क्ड स्वेलो टू टेक अ रूबी आउट ऑफ द हिल्ट ऑफ हिज स्वॉर्ड। जो हैप्पी प्रिंस होता है, वो स्वेलो से कहता है कि मेरी स्वॉर्ड यानी कि मेरी जो तलवार है, उसकी हिल्ट से रूबी को निकाल लो एंड गिव इट टू अ सीमस्ट्रेस। और वो रूबी सीमस्ट्रेस को दे दो। इन दिस वे हैप्पी प्रिंस एंड स्वेलो हेल्प्ड सीमस्ट्रेस। इसी तरह से जो हैप्पी प्रिंस होता है और स्वेलो होते हैं, वो सीमस्ट्रेस यानी कि कपड़े सिलने वाली स्त्री की मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड द स्वेलो फील वार्म। जो स्वेलो था, पक्षी था, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड द स्वेलो फील वार्म। स्वेलो वार्म क्यों फील कर रहा था, यानी कि पक्षी था जो, वो गर्म क्यों महसूस कर रहा था? तो इसका आंसर है, द स्वेलो हैड डन अ गुड डीड। जो स्वेलो था, उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया था। द थॉट ऑफ इट मेड हिम फील वार्म। यही सोचकर, यही विचार कर वो वार्म यानी कि गर्म महसूस कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 13,
व्हाट ट्रबल द यंग मैन इन द गैरेट। जो यंग मैन था, जो वो जवान नौजवान आदमी था, वो गैरेट यानी कि जो छत का कमरा था वहाँ पर क्यों परेशान हो रहा था। तो इसका आंसर है द यंग मैन वॉज अ पुअर प्ले राइटर। जो यंग मैन था, जो नौजवान था, वो बहुत ही गरीब नाटककार था। ही वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। एंड देयर इज़ नो फायर इन द फायर प्लेस, और जो फायर प्लेस होती है जहाँ पर अंगीठी लगी हुई थी वहाँ पर आग नहीं लगी हुई थी। ही वॉज फीलिंग हंग्री ऑल्सो, इसके अलावा उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। इसीलिए जो नौजवान था, यंग मैन था, वो बहुत ज़्यादा परेशान था। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ वॉज द यंग मैन हेल्प्ड। यंग मैन की मदद कैसे की गई थी। तो इसका आंसर है द प्रिंस टोल्ड स्वेलो टू टेक अ सफायर आउट ऑफ हिज आई एंड गिव इट टू द प्ले राइट सो दैट ही कुड कंप्लीट हिज प्ले। जो प्रिंस होता है वो स्वेलो से कहता है कि वो उसकी आँख में से एक सफायर को यानी कि एक नीलम को निकाल ले और प्ले राइट को दे आए, इससे वो अपने प्ले को ख़त्म कर सकेगा। इसी तरह से जो प्रिंस और स्वेलो होते हैं वो यंग मैन की हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वाई वाज द मैच गर्ल क्राइंग। जो मैच गर्ल होती है यानी कि माची से बेचने वाली जो लड़की थी वो क्यों रो रही थी। तो इसका आंसर है द मैच मेकर्स मैच बॉक्सेस फेल इनटू द ड्रेन दे वर ऑल स्पॉइल्ड सो शी वाज क्राइंग। जो वो लड़की थी माची से बेचने वाली, उसकी सभी माचिसे के डिब्बी ड्रेन यानी कि नाली गटर में गिर जाती हैं और सारी जो माचिसे की डिब्बियाँ होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, स्पॉइल हो जाती हैं, जिसके कारण जो लड़की होती है माची से बेचने वाली वो रोने लगती है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड द पुअर स्वेलो मैनेज टू लिव इन सो मच कोल्ड। जो स्वेलो था उसने इतनी ठंड में रहने का प्रबंध कैसे किया था। तो इसका आंसर है द स्वेलो ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। जो स्वेलो था वो अपने आप को पंखों के फड़फड़ाहट से खुद को वार्म रखने की कोशिश करता था। ही गॉट सम क्रम्स टू ईट एट द बेकर स्टोर। उसे कुछ रोटी के टुकड़े खाने को मिले थे एट द बेकर स्टोर यानी कि बेकरी के एक शॉप के बाहर दरवाजे के पास उसे कुछ रोटी के टुकड़े मिले थे खाने को। Thus he managed to live in so much cold। इसी तरह से उसने इतनी ठंड में रहने का प्रबंध कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 17, Why was the statue of the happy prince pulled down? जो हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू था, जो मूर्ति थी, उसे क्यों गिरा दिया गया। The statue of the happy prince pulled down because it looked dull and grey। तो जो हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू था, जो मूर्ति थी, वो इसीलिए गिरा दी थी क्योंकि वो देखने में अब डल और ग्रे लगने लगी थी यानी कि बहुत ही बुरी और गंदी दिखाई देने लगी थी, इसीलिए जो हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू था वो गिरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द हर्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस मेड ऑफ। जो हैप्पी प्रिंस का हर्ट था, दिल था, वो किसका बना हुआ था। तो इसका आंसर है The heart of the happy prince was made of lead। जो happy prince का heart था वो lead का बना हुआ था। So next question है, Who brought God the leaden heart and the dead bird? God के पास leaden heart यानी कि जो happy prince का lead का बना हुआ heart और जो dead bird था वो कौन लेकर आया था। तो इसका answer है One of God's angels brought them to him। जो गॉड के एंजल्स होते हैं उन एंजल्स में से एक एंजल गॉड के पास लेडन हर्ट और डेड बर्ड को लेकर आया था। सो लास्ट एंड 20th क्वेश्चन इज व्हाट वर द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी।
सिटी में सबसे मोस्ट यानी कि बहुत बहुमूल्य चीज़ें कौन कौन सी थी। तो पहली चीज़ थी लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, यानी कि लेड का बना हुआ हैप्पी प्रिंस का हार्ट। एंड द सेकंड वन इज़ डेड बर्ड, यानी कि जो स्वेलो था वो मरा हुआ था। ये जो दो वस्तुएं थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस थी, जो कि गॉड ने अपने एंजल से पैराडाइज में मंगवाई थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। मुझे लगता है आपको ये जो चैप्टर है पूरी तरह अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कीप वॉचिंग सतगुरु इंस्टीट्यूट।